सो भाई वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के एंडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेरीज की, बिकॉज ये क्वेरीज भाई मेरे से काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली बेसिस पे लोग पूछ रहे थे, जिनमें से जो सबसे बड़ी क्वेरी थी वो ये थी कि आखिर अगर हम लोग को चैप्टर 3 देखने को मिलना था केजीएफ का, तो चैप्टर 2 में हमें भाई रॉकी भाई की डेथ क्यों दिखाई गई, एंड उसी के साथ ही अगर हम लोग को जो डेथ सीन देखने को मिला तो क्या उसके बाद रॉकी भाई को कोई बचा सकता था। तो भाई इन्हीं क्वेरीज पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो में देन वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई अगर आप लोगों ने केजीएफ के चैप्टर 2 को देख लिया, लेकिन उसको देखने के बाद भी आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई रॉकी भाई का जो हम लोग को डेथ सीन देखने को मिला था उसमें भाई लास्ट में कोई उनको बचा लेगा, तो आप लोग अभी गलत सोच रहे हो, बिकॉज जो आप लोग को वो सीन देखने को मिला था वो एकदम परफेक्ट था, एंड अभी जितना मेकर्स की तरफ से हिंट मिला एंड प्लस उसी के साथ ही जो हम लोग को केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट मिला है, उससे भाई ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो रही है कि भाई जो रॉकी भाई का कैरेक्टर था वो भाई केजीएफ में एंड हो चुका है, मतलब कि आप लोग को उसके आगे कोई स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग को चैप्टर 3 देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने आप लोग को पास्ट में भी बता रखा है कि भाई अगर रॉकी भाई का कैरेक्टर हम लोग को चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा तो उसमें जो आप लोग को स्टोरी होगी वो भाई 1979 से 81 के बीच में देखने को मिलेगी, बिकॉज जहां पे उन्होंने इंटरनेशनल क्राइम करे थे वही चीज आप लोग को चैप्टर 3 में दिखाई जाएगी मेकर्स के थ्रू। दैट मींस कि भाई अगर हम लोग को चैप्टर 2 में रॉकी भाई की डेथ देखने को मिल भी रही है तो भाई उसका कोई भी इंपैक्ट इसके चैप्टर 3 पे नहीं होगा। इनफैक्ट जो हम लोग को सलार मूवी भी देखने को मिलेगी जिसको करंटली केजीएफ से लिंक करा जा रहा है, उसमें भी आप लोग को कोई केजीएफ का बहुत ज्यादा मेजर सीन या फिर मेजर पर्टिकुलर स्टोरी देखने को नहीं मिलने वाली है। उसमें जो भी स्टोरी होगी वो सलार की स्टोरी होगी, एंड उसमें आप लोग को ये थोड़ा बहुत जो ग्लिम्स है वो केजीएफ के दिए जा सकते हैं। दैट मींस कि भाई जो भी करंटली लोगों के बीच में कंफ्यूजन था कि भाई हम लोग को केजीएफ के चैप्टर 2 में रॉकी भाई की डेथ दिखा दी गई तो मेकर किस तरीके से चैप्टर 3 को बनाएंगे एंड किस तरीके से उसकी स्टोरी को सलार से लिंक करेंगे, तो भाई आई थिंक आप लोग को अभी चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई रॉकी भाई की डेथ से सलार मूवी या फिर केजीएफ चैप्टर 3 को कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। एंड यहीं पे भाई ऑडियंस का एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मेकर्स ने रॉकी भाई को ही क्यों मारा, वो लोग उनको बिना मारे भी केजीएफ चैप्टर 2 को एंड कर सकते थे। तो देखो भाई यहाँ पे सिंपल सा आंसर यह है कि अगर आप लोग को ऑडियंस के बीच में एक तगड़ा इंपैक्ट छोड़ना है तो आपको किसी एक ऐसे करेक्टर की डेथ सीन दिखानी पड़ती है जिसके बाद भाई ऑडियंस भी पूरी तरीके से शॉक हो जाए, एंड भाई रॉकी भाई से तगड़ा करेक्टर कोई केजीएफ में हो ही नहीं सकता, एंड उनकी डेथ के बाद आई थिंक मैक्सिमम ऑडियंस ये सोचने पे मजबूर हो गई होगी कि भाई मेकर्स ने कर कैसे दिया, मतलब कि जिस करेक्टर को हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक ऐसा देखा था कि भाई वो 100-100 आदमी से अकेले लड़ जाता था वो इतनी इजिली कैसे मर गया। एंड यहाँ पे भाई केजीएफ के मेकर्स ने अकेले रॉकी भाई को मारकर ऐसा नहीं करा, हम लोगों ने बाहुबली में भी सिमिलर चीज देखी थी कि एक तगड़ा करेक्टर मतलब बाहुबली जैसा करेक्टर अगर उसको कटप्पा मार देता है तो भाई उसी क्वेश्चन पे पूरी के पूरी चैप्टर 2 को बना दिया जाता है, एंड ऑडियंस उसके लिए एकदम पागलों की तरह इंतजार करती है। तो भाई ये सारी चीजें पास्ट में भी यूज हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज भी देखी होगी तो उसमें भी भाई लास्ट में एक ऐसे करेक्टर को मार दिया जाता है जिसके बाद भाई ऑडियंस एकदम शॉक रह जाती है, एंड काफी टाइम तक तो भाई वो लोग यही सोचते हैं कि आखिर इस करेक्टर को लास्ट में मारा क्यों। सो भाई ये मेकर्स का तरीका होता है जिसकी वजह से वो ऑडियंस के बीच में अपने करेक्टर को भाई मूवी एंड होने के बाद या फिर सीरीज को एंड होने के बाद भी अलाइव रखते हैं, एंड जिसकी वजह से लोग भी उस सीरीज या मूवी के बारे में बात करते रहते हैं, जैसे कि आगे अगर उसके ऊपर कुछ भी आता है तो लोग भाई उसको डेफिनेटली देखने जाएंगे। एंड भाई ये सिमिलर चीज आप लोगों को केजीएफ के चैप्टर 3 के साथ भी देखने को मिलेगी अगर मेकर्स उसको लेकर आएंगे, एंड सिमिलर चीज आप लोगों को सलार मूवी के साथ भी देखने को मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं केजीएफ की ऑडियंस ये चीज जरूर ध्यान में रख के सलार मूवी को देखने जाएगी, तो उनको कुछ ना कुछ ग्लिम्स केजीएफ की भी सलार मूवी में देखने को मिलेंगे। सो भाई आप लोगों को क्या लगता है कि जो मेकर्स ने चैप्टर 2 में हम लोग को रॉकी भाई का डेथ सीन दिखाया है वो एकदम परफेक्ट एंडिंग थी, या फिर आप लोग को लगता है कि मेकर किसी और तरीके से भी इस मूवी को एंड कर सकते थे? अगर आप लोग की भाई कोई भी स्टोरी या फिर थ्योरी है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। देखते भाई किसकी किस तरीके की स्टोरी सामने निकल कर आती है, लेकिन अभी करंटली भाई इस वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।